सिख कौम च पैदा होने वाले विवाद लगातार जारी ने। भाई रणजीत सिंह ढड्डियां वाले ते इतिहास नूं तोड़ मरोड़ के पेश करन दे लगदे दोषां दा मामला अजे ठंडा नहीं होया कि एक पंजाबी अखबार अनुसार एस जी पी सी मैंबर उगे प्रचारक ते सिख मिशनरी कॉलेज श्री अनंदपुर साहब के प्रिंसीपल सुरिंदर सिंह वालों श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के संपूर्णता दिवस ते चपई दिवस नूं लैके नवा विवाद छेड़ दिता गया है। तुहानूं दस दईए कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गुरद्वारा सीसगंज साहब श्री अनंदपुर साहब विखे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का संपूर्णता दिवस मनाया जा रहा है, जिथे प्रिंसीपल साहब वालों ये विवादित बयान दिता गया है। उधर दूजे पासे इस बयान नूं लैके अपना तिखा प्रतिक्रम दिंदिआं तख्त श्री केसगढ़ साहब के जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह जी वालों ताड़ना करदिआं कहा गया है कि प्रिंसीपल सुरिंदर सिंह पंथ विच बखेड़े खड़े करन वाली अजिही बेतुकी बयानबाजी तो गरेज करन, किते ये मामला अगे ना बच जाए। इस तो पहला प्रिंसीपल सुरिंदर सिंह वालों सोशल मीडिया राहीं इस मसले संबंधी स्पष्टीकरण दे दिता गया है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जीओ, कल जुगो जुग अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का संपूर्णता दिवस गुरद्वारा सीसगंज साहिब विखे मनाया गया, जिथे होर विद्वान बोले दास नूं भी इस मौके ते गुरद्वारा सीसगंज साहिब विखे बोलण दा सुभागा समा प्राप्त होया सी। इसे दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की संपूर्णता बारे जो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नाल संबंधित महान हस्तियां ते वख-वख विद्वानां दे विचार दे के उन्हां दे हवाले दे के मैं सतगुरु जी की संपूर्णता गुरद्वारा दमदमन साहिब श्री अनंदपुर साहिब विखे ही दर्शाई सी, जिस पिछे भावना कोई इतिहास नूं त्रोड़ मरोड़न दी नहीं, ना ही कोई पंथ विच वखेड़े करन दी सी। अनंदपुर दा वासी होण दे नाते ते अनंदपुर दे इतिहास नाल संबंधित किताबां विचों जदों ऐसे हवाले मिले, एक प्रचारक होने के नाते मेरा वैसे शौक है कि आनंदपुर साहिब दीआं संगतां नूं दस्या जावे कि ऐसी भी बख्शिश सच्चे पातशाह ने इस धरती ते कीती ते इस धरती नूं माण बख्शिया। सो हवाले कुछ दित्ते गए सन। अज दी इक अखबार दे विच मेरे वो बयान देख के मैनूं बड़ी हैरानी होई कि इस अखबार दे विच बहुत थां मेरे इस बयान नूं दित्ती गई ते उहदे विच कुछ गल्लां ऐसियां जो संगतां दी भावना नूं ठेस पहुंचाउण वालियां बन गईआं। पहले नंबर ते तां मैं पत्रकार वीरां नूं बेनती करांगा, बाकी सारियां ने किसे ने खबर नहीं दित्ती कि जदों भी कोई देना होवे मेरा बयान तां वखेड़े खड़े करन वाला बयान जिहड़ा है, ये मेरे कोलों गलती हो गई जिहदे नाल संगतां दे मन नूं ठेस पहुंचे, तां फिर इह बाकी संगतां विच जे ना ही पहुंचाया जावे तां मैं धनवादी होवांगा, क्योंकि भावना कुछ होर हुंदी है ते स्टेज ते बोलदिआं कोई जज्बात विच कोई गल होर निकल सकदी है। दूजे नंबर ते चौपई साहिब दी बाणी दा जो संबंध सी ਉਹ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਬੋਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਿਬੋਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੁਪਈ ਦਾ ਇਹ ਦਿਵਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ, ਇਸੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਪੁਰਬ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ
ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की जानकारी देईए, पर ओ मेरी भावना भी जिहड़ी है किसी होर ढंग नाल जिहड़ी पेश कर दित्ती गई। मैं पिछले 45 साल तो धर्म प्रचार की सेवा निभा रहा हाँ। मैं लगता है सैकड़े वीर ऐसे जो अनमति धर्मां विचों सिख सजाए हैं उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लड़ लाया ते पंथ प्रवानित रहत मर्यादा दृढ़ करवाई। पंथ प्रवानित रहत मर्यादा दे विच ये सारियां बाणियां जिहड़ियां ने वह हर सिख के जीवन का अंग है। तो एक सिख होने के नाते मैं भी रोजाना नितनेम दी इन सारियां बाणियां का पाठ करता हाँ। सो मेरी वह भावना जिहड़ी सी वह किसी होर ढंग दे नाल पेश कर दित्ती गई जो कि बयान दे विचों पढ़ के ही पता लग जाता है। तो तीजे नंबर ते जिहड़ी बेनती सी वह कुरान बारे कि कुरान दे विच कितना विश्वास है मुसलमान वीरां दा, और मैं यह गल कही सी कि उतना ही विश्वास सानू सिखां नू भी रखना चाहिदा है। पर उहदे विच भी प्रभाव यह गया कि बाकी सब ग्रंथां बारे शायद इन्हें कह दिता गया। यह भी मैं संगत नू स्पष्ट कर देना चाहता हाँ कि मेरी भावना केवल ते केवल विश्वास तक सीमित सी। ते अगे जिहड़ा पत्रकार वीर ने दिता है वह आप लिखता है कि प्रिंसीपल साहब की इस गल का यह मतलब है, गल मैं कह रहा हाँ ते मतलब पत्रकार वीर जी बना रहे हैं। सो मेरी वह भी भावना जिहड़ी सी कि किसी होर ग्रंथ नूं नीवा दिखाना नहीं, किसी होर ग्रंथ का जिहड़ा है वह उस ढंग नाल जिवें लिखा गया वह भावना मेरी नहीं सी, क्योंकि पंथ प्रवानित रहत मर्यादा दे विच भाई गुरदास जी, भाई नंद लाल जी वर्गियां महान शख्सियतां नूं भी बराबर का दर्जा दिता गया है। और तीजे नंबर ते बाबा श्री चंद जी बारे जो गल मैं कही है वह ज्ञानी मान सिंह जी सखन श्री दरबार साहब दे उस दिन कथा करते सन 27 तरीक नूं पहलां कथा करदिआं होइआं एक वीर जी ने गल कही सी कि 16 अष्टपदियां तो बाद 17वीं अष्टपदी जिहड़ी है वह उदों आउणी शुरू होई जदों बाबा श्री चंद जी ने श्लोक उच्चारण किया। उहदा ही स्पष्टीकरण मैं दिता सी और गुरबाणी दे विच जो प्रमाण दिते गए भाई गुरदास जी ने दिते उन्हां दे आधार ते मैं ये गल कीती सी कि गुरु अर्जन देव जी महाराज सर्व कला समर्थ हैं, वह पंजवें नानक गुरु अर्जन देव जी हैं, तो पहले नानक गुरु नानक देव जी महाराज बाबा श्री चंद जी के पिता जी सन। सो ये सारी गल मैं उत्थे कही, इहदे विच पता नहीं कि जज्बात नाल जां किते होर मैनू याद नहीं, जे कह गया होवां जो शब्दावली बाबा श्री चंद जी बारे अखबार के अंकित हुई मैं उस गल का बड़ा अफसोस होया। तो मैं पूरे पंथ को खिमा जाचना भी चाहता हाँ। तो पंथ विच किसी किस्म का बिगाड़ पाने की भावना मेरी नहीं सी, क्योंकि आदकाल तो ही सानू यह गुरती भी दिती गई ते गुरु नानक पातशाह ने भी यह गल आखी सी कि हमने चंगे बुरा नहीं कोई, पंथक एकता ता ही हो सकती है। मैं पंथ दियां महान हस्तियां दे इकट्ठा समय भी तख्त श्री केसगढ़ साहिब विखे कई बार यह गल आखी कि जे असी मंदा जाने आपको अवर भला संसार गुरु नानक पातशाह दे उपदेश मुताबक चल पईए तां यह पक्की गल है कि सारे पंथ दे विच एकता हो सकती है। बोलदियां होयां जज्बात दे विच जाने अनजाने विच जिहड़ियां गल्लां अखबार दे विच लिखियां ने जे ओह हो गईयां, वैसे जिथों तक मेरा अपने होशो वास नाल मैं कहिंदा हां कि किसे शख्सियत बारे किसे संपर्दा बारे किसे जथेबंदी बारे मेरी कोई मंद भावना नहीं सी, क्योंकि सारे ही पंथ का अनिखड़वा अंग हन। ते गुरु पंथ नूं गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने गुरगद्दी बख्शी है। गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ अज तक 45 साल तो लैके हुण तक जो धर्म प्रचार किया है
और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी के मुताबिक पंथ प्रवानित रहत मर्यादा के मुताबिक ही किया है। फिर भी अलपग जीवन भुलण अंदर सब को भुल गुरु करतार साडा दावा नहीं, पर मैं ये वायदा जरूर करता हाँ कि जे इत्थे कोई गल मेरे को निकल गई, किसी के दिल नूं ठेस पहुंची है, तो वह लिखत के मुताबिक जिहड़ी है मेरी भावना नहीं सी। मैं समुचे गुरु पंथ तो, गुरु ग्रंथ तो, समुचियां संगतां तो मैं इस गल की खिमा चाहता हाँ। आस है कि समुचा पंथ मेरी इस गलती नूं जरूर मुआफ करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, उस गलती लई खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।